राजीव भैया आइए, अरे रुक जाओ रुक जाओ, आप रहिए इधर। बस बस रहने दे, रहिए माइक लगा दो। नहीं नहीं यहाँ पर क्या कहेंगे आप? देखिए, देश तोड़ने की बात करने वालों का, ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों को मिटाने की बात करने वालों का, ब्राह्मणों का जनेऊ तोड़वाने की बात करने वालों का विरोध करना कहीं से भी गलत नहीं है, ये उचित है। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से विरोध होना चाहिए। अपना बच्चा है, गलती किया है, प्रशासनिक अधिकारी से हम निवेदन करेंगे कि अपनी ओर से ये पहल करें, इसकी अब रिहाई हो जाए, और साथ ही साथ उस कन्हैया कुमार को कन्हैया कुमार को सख्त लहजे में चेतावनी भी देना चाहेंगे कि तुम खुलेआम मंच से ब्राह्मणों को, भूमिहारों को, सवर्णों को गाली देना बंद कर दो। अगर अपनी राजनीति सही तरीके से करना चाहते हो, अन्यथा बिहार के किसी भी जिले में कदम रखना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग किसी भी हद तक गुजरेंगे अगर हमारे अस्तित्व को गाली दिया जाएगा, अगर हमारे अस्तित्व को ललकारा जाएगा, तो ये साफ तौर पर चेतावनी है कि ब्राह्मण भूमिहार किसी के ललकार को बर्दाश्त नहीं करते हैं। और आज एक चंदन गोरे ने विरोध किया, कल लाखों की संख्या में हम लोग सड़क पर उतरेंगे और उस समाज के गद्दार को, उस देश के गद्दार को यहाँ से खदेड़ कर तड़ीपार कर देंगे। ये संदेश हम लोग कन्हैया मन से लगातार अपने समर्थकों को मना कर रहे थे, लेकिन बावजूद उसके समर्थक बेरहमी से इसकी पिटाई कर रहे थे। देखिए, वो समर्थक कन्हैया के ही थे। लोकतंत्र में जो नेता जी होते हैं, उनके भाषण देने का और मना करने का, बोलने का, नेता लोग बोलते हैं कि हिंसा नहीं करना है, तो वो इशारा होता है कि हिंसा करवाना है। कन्हैया के समर्थक जब उनको भीड़ में पीट रहे थे, तो उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी। अगर प्रशासनिक अधिकारी समय से नहीं पहुँचते तो शायद चंदन गोरे की मृत्यु हो जाती, इसे जान से मार दिया जाता, जिस हिसाब से लाठी डंडे बरसाए गए, हजारों लाठियां मारे गए। कन्हैया कुमार मंच से उतरकर भी इनका बचाव कर सकते थे। लोकतंत्र है, अगर आप खुलेआम मंच से लाखों के बीच में किसी जाति विशेष, किसी संप्रदाय विशेष, किसी धर्म विशेष को ललकार रहे हैं, उसको चुनौती दे रहे हैं, तो उसी जाति विशेष, उसी धर्म विशेष का कोई लड़का जिससे सहा नहीं गया और उसने आपका विरोध किया, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपके समर्थक उसको जान मार दें और आप मंच से भाषणबाजी करते रहें, ये कहीं से भी उचित नहीं। बड़ी अधिकारी से जी हाँ, कल हमारी बात यहाँ थाना प्रभारी महोदय से भी हुई है, एसपी साहब से भी हुई है और डीजीपी साहब से भी बात हुई है। सबका यही कहना है कि गलती हुई है, हम लोग अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं कि इसकी रिहाई हो जाए, जल्दी जल्दी रिहाई हो जाए। एक मिनट भैया, जरा सा ये वो तस्वीर कहाँ गए अंदर? थैंक यू।